डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी के सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको आपसे मैं करूं एजुकेशन साइकोलॉजी में लर्निंग जो टॉपिक है उसके अंदर जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो आपको स्टडी करा रहा हूं। पूरा थॉर्नडाइक का सिद्धांत मैं ए टू जेड चीज आपको याद करा दूंगा 10 से 15 मिनट के अंदर। सारे उसके नाम आपसे मेरे को ट्रिक्स एवरीथिंग क्लियर। और इसी से स्टार्ट आपसे मैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसका फादर ही थॉर्नडाइक को माना जाता है। और थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया है वो इतना जबरदस्त सिद्धांत है कि वो हर एक स्टूडेंट को बहुत कुछ सिखाता है। तो स्टार्ट करते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत से जिसका नाम है उद्दीपन आप समय को अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी क्लियर। तो आपसे मैं करूं एक मिशन लेके चल रहे हैं जो आपसे मेरे को आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपसे मैं करूं जो स्टार्ट करने हम जा रहे हैं बोलो टॉपिक हमारा अधिगम है। और अधिगम के अंदर बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्या स्टडी कराने जा रहा हूं उद्दीपन मैंने कहा अनुक्रिया बोलो सिद्धांत ठीक है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत स्टिमुलेशन रेस्पॉन्स थ्योरी बोलो क्या नंबर वन सबसे पहले आपको पूछा जाए प्रतिपादक ठीक है। तो प्रतिपादक कौन हो जाएगा एडवर्ड ली बोलो आपसे मैं कह रहा हूं थॉर्नडाइक ठीक है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। नंबर टू आपसे मैंने कहा ये कौन थे बोलो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ठीक है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक बात समझ में आए बोलो। इनकी एक बुक बड़ी पॉपुलर है जिसमें सिद्धांत का वर्णन किया गया है एनिमल इंटेलिजेंस बोलो आपसे मेरे को एनिमल इंटेलिजेंस क्लियर। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं क्योंकि थॉर्नडाइक ने आपको पता है बोलो आपसे मेरे को इंटेलिजेंस में भी काम किया है क्लियर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपसे मेरे को इन्होंने प्रयोग किस पे किया था बोलो भूखी बिल्ली पे किया था किस पे किया था बोलो भूखी मैंने कहा बोलो आपसे मैं करूं बिल्ली पर ठीक है बोलो बिल्ली पर प्रयोग किया था। और आपसे मैं कह रहा हूं इन्होंने बोलो जो प्रयोग किया था उसके अंदर एक पजल बॉक्स लिया था जिसके अंदर बोलो बिल्ली आपसे मैं को उनको छोड़ा और बाहर मेज पर आपसे मैं करूं ये बोलो फिश आपसे मैं को रखी और ये क्या था बोलो आपसे मेरे को लीवर जिसको टच करोगे तो ये खाना इसको मिलेगा। इसका मतलब थॉर्नडाइक के प्रयोग के अंदर उद्दीपन सामने होता है क्या होता है बोलो उद्दीपन सामने होता है उसको देख के क्या करना होता है अनुक्रिया क्लियर। तो इसी आधार पर सिद्धांत का नाम क्या रखा बोलो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत स्टिमुलेशन रेस्पॉन्स थ्योरी या एसआर थ्योरी। तो मेरे कहने का मतलब है ये बिल्ली आपसे मेरे को इस फिश को खाना चाहती है इस उद्दीपन के लिए अनुक्रिया करती है बोलो आपसे बार बार प्रयास करती है और एक बोलो बार बार प्रयास करने पर ये लीवर टच हो जाता और ये इसको खा लेती। तो थॉर्नडाइक अपने सिद्धांत से ये कहना चाहता है कि बोलो आपसे मैं करूँ कभी भी आपको कोई गोल प्राप्त करना है तो आप बार बार आपको प्रयास करना पड़ता है शुरुआत में त्रुटियां होती है आपसे मेरे को अपना धैर्य बनाए रखना पड़ता है लगातार परिश्रम करना पड़ता है और आपसे वो लगातार परिश्रम करने से आपको आपका गोल मिल जाता है क्लियर। तो आपसे मैं करूं उसके बाद अगर हम सिक्स बात करें मैंने कहा सिद्धांत के अन्य नाम बोलो सिद्धांत के अन्य नाम तो मैंने कहा बहुत सारे नाम है बोलो इसी को हम प्रयास आपसे मैं करूं एंड बोलो त्रुटि ठीक है का सिद्धांत भी कहते हैं बोलो इसी को हम संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं संबंध आपसे मैं कहूँ वाद बोलो का सिद्धांत भी कहते हैं इसी को बोलो आपसे मैं कहूँ बंद बोलो आपसे मैं करूँ सिद्धांत भी कहते हैं बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं इसी को आपसे मैं कह रहा हूँ आवर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं आवर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं क्लियर। इसी को आपसे मैं करूं एसआर थ्योरी भी कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है और भी नाम है आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है अभी एक ट्रिक बताऊंगा सारे नाम याद करवा दूंगा क्लियर। उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि आपको पता होना चाहिए कि बोलो आपसे मैं कहूँ थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के अंदर बोलो आपसे मैं कहूँ थॉर्नडाइक ने अपने आपसे मैं करूँ सिद्धांत ठीक है बोलो मैं
तीन मुख्य नियम, बोलो आपसे मेरे को कितने, तीन मुख्य नियम या जिसको हम कह सकते हैं उपनियम, बोलो आपसे मेरे को दिए, ठीक है। तो वो कौन कौन से दिए, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, अगेन ट्रिक से बता रहा हूं, ट्रिक है मेरी एटीपी, क्या है बोलो एटीपी, ए से बोलो पहला कौन सा है, अभ्यास, आपसे मैं कह रहा हूं का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम, बोलो टी से क्या है, तत्परता, बोलो आपसे मैं कहूं तत्परता, बोलो का नियम, और मैंने कहा पी से क्या है, बोलो प्रभाव का नियम, ठीक है, प्रभाव का नियम, बात समझ में आए। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बोलो आपसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या थोर्नडाइक ने कौन सा उपनियम नहीं दिया, कौन सा उपनियम दिया या मुख्य नियम दिया, तो एक तो ये नाम पता होना चाहिए, तो वो एटीपी ट्रिक से पता चल जाएगा। फिर आपसे मेरे को थोर्नडाइक क्या कहता है, जो अभ्यास का नियम है, बोलो आपसे मैं करो ये है, बोलो मैंने कहा उपयोग, ठीक है, एंड अनुपयोग, आपसे मैं करो अनु उपयोग, ठीक है, उपयोग आपसे यूज एंड डिसयूज, अनु उपयोग आपसे मैं कहूँ से संबंध रखता है, ठीक है, से संबंधित, एग्जाम में पूछा जाता है, बोलो आपसे मैं कहूँ कि थोर्नडाइक का कौन सा जो उपनियम है वो यूज एंड, आपसे मैं कहूँ डिसयूज की बात करता है। तो आप जितना किसी चीज का अभ्यास करोगे, यूज करोगे, उपयोग करोगे, बोलो आपसे मैं कहूँ वो उतना ही ज़्यादा बेहतर बनेगा, और नहीं करोगे तो उतना ही डाउनवर्ड होगा। तो अभ्यास के नियम के अंदर बोलो यूज और डिसयूज की बात करी। उसके बाद थोर्नडाइक कहता है कि जो तत्परता का नियम है ये बोलो परिपक्वता से, बोलो परिपक्वता से आपसे मैं को संबंधित, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है थोर्नडाइक कहता है कि बोलो आपसे अगर हम किसी बालक है उसको हम जो छोटा है उसको हम फुटबॉल के मैदान में ले जाकर खड़ा कर सकते हैं, वो खेलेगा या नहीं खेलेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो उसके लिए परिपक्व है यानी इसके लिए तत्पर है या नहीं है। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक घोड़ा है उसको आप बोलो पानी के आपसे में तालाब के किनारे ले जा सकते हो, पानी पिएगा कि नहीं पिएगा वो उसकी तत्परता पर निर्भर करता है, क्लियर। इसी तरह से प्रभाव का नियम है ये आपसे मैं को संतोष, ठीक है, बोलो से मैंने कहा संबंधित, बोलो संबंधित होता है, ठीक है, किससे संबंधित होता है, बोलो संतोष से संबंधित होता है। मतलब थोर्नडाइक कहना चाहता है कि अगर आप कोई भी बालक है उसने सपोजेड एक घंटा आधा घंटा किसी क्लास में पढ़ा तो आपसे मैं कह रहा हूँ वो आपसे मेरे को अगर वो संतुष्टि हुआ है तो ही उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, अगर वो संतुष्टि नहीं हुआ तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है थोर्नडाइक ने अपना जो मुख्य सिद्धांत है बोलो आपसे मेरे को जिसका नाम प्रयास या त्रुटि या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है उसके अंदर कितने मुख्य नियम या उपनियम दिए हैं, तो तीन दिए हैं, और तीन आपसे कौन से, ए से क्या है अभ्यास, पी से क्या है तत्परता, और पी से क्या है प्रभाव, बात समझ में आए। ये आपका ए हो गया, ये टी हो गया, और ये पी हो गया। और अभ्यास के नियम का संबंध किससे होता है, यूज एंड डिसयूज, यूज एंड डिसयूज की बात किस उप मुख्य नियम में की है, अभ्यास के नियम में। बोलो परिपक्वता का संबंध किससे होता है, तत्परता से, और तत्परता का संबंध किससे होता है, परिपक्वता से। प्रभाव का नियम में किससे बात करिए, संतोष की, और संतोष की बात किस में की है, प्रभाव की। यहां से बोलो जो छह क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैंने समझा है। उसके बाद बात करते हैं नंबर एट पॉइंट, मैंने कहा थोर्नडाइक ने अपने जो नियम है उसमें पांच गुण नियम दिए, ठीक है। थोर्नडाइक आपसे मैं कह रहा हूं ने बोलो अपने आपसे मैं कह रहा हूं नियम, ठीक है, में पांच गौण नियम, ठीक है, बोलो आपसे मैं करूं गौण नियम बोलो भी दिए, ठीक है। अब क्या होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से गौण नियम कौन सा है जो थोर्नडाइक ने दिया है या नहीं दिया है, तो वो पांचों के नाम याद होने चाहिए। होता क्या है कि हम इतने नियम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं बोलो आपसे वहां पर एग्जाम में हम भूल जाते हैं, तो अगेन हमारे पास हर एक चीज का लॉजिक होना चाहिए। मैंने कहा गौण का मतलब क्या होता है, कम, थोड़ा, जहां छोटा, बात समझ में। तो मैंने कहा हम बोलो आपसे मैं इंडिया के अंदर बोलो राजस्थान में रहते हैं, और राजस्थान में आपने देखा होगा कि जो आपसे मैं को कोई भी पर्सन है अगर उसका थोड़ा कमर दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द अगर होता है तो वो उसका सॉल्यूशन किससे करते हैं, बाम लगा कर करते हैं, किससे करते हैं बोलो, बाम लगा कर करते हैं। तो यहां पर आपसे मैं को मैंने क्या कहा कि हमारी ट्रिक क्या है, और उनका यह कहना है, लोगों का यह मानना है कि थोड़ा कमर दर्द, बदन दर्द, उसके लिए बाम सॉल्यूशन सही
सही है। तो मैंने लिखा बाम, बोलो आपसे मैं कौन, सॉल्यूशन, बोलो सही है। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, बोलो बाम सॉल्यूशन सही है। इसी से पांच गौण नियम निकलेंगे। यहां पर गौण से ये ट्रिक कैसे निकली, क्योंकि बोलो थोड़े बदन दर गौण, अगर गौण बदन दर्द सिर दर्द है तो उसके लिए क्या कहा जाता है, बाम सॉल्यूशन सही है। तो बी से पहला हो गया बोलो बहु अन्योन्य क्रिया का नियम, बहु अन्योन्य, बोलो आपसे मैं कहूं क्रिया का नियम। ठीक है, बोलो ए से हो गया, बोलो आपसे मैं को आंशिक, मैंने कहा आंशिक अनुक्रिया, आंशिक क्रिया का, बोलो क्रिया का नियम। क्लियर, इसी तरह से मैंने आपसे कहा एम से हो गया मानसिक स्थिति का नियम। ठीक है, मनोस्थिति या मानसिक स्थिति, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं का नियम। ठीक है, इसी तरह से एस से हो गया समानता का नियम, क्या हो गया बोलो समानता का नियम। क्लियर, इसी तरह से एस से हो गया साहचर्य परिवर्तन का नियम, साहचर्य बोलो परिवर्तन आपसे मैं कहूं का नियम। क्लियर, तो आपने क्या देखा, बोलो बी बाम सॉल्यूशन आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बोलो पांचों गौण नियम के नाम याद कर लिए, और उपनियम मुख्य नियम का तो एटीपी से कर लिया। अब समझते हैं बोलो क्या कहना चाहता है थोंडाई, कि अगर आपसे मैं कहूं कोई भी जटिल समस्या आती है, ठीक है, जटिल समस्या आती है तो उसके लिए आपको एक से ज्यादा क्रिया करनी पड़ती है। यानी आपसे मैं को बहु अन्योन्य क्रिया का नियम क्या कहता है, कि जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए बोलो व्यक्ति को एक से ज्यादा क्रिया करनी पड़ती है, बहुत सारी क्रिया करनी पड़ती है। आपसे मैं को तो बहु अन्योन्य क्रिया का नियम, अगर बोलो सरल छोटी समस्या है तो आपसे मैं को वो आंशिक, बोलो मैंने कहा क्रिया करने से ही सोल हो जाती है। क्लियर, तो उसके बाद आपसे मेरे को थोंडाई क्या कहता है, कि अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी अधिगम करना है तो उसकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आपसे मेरे को, आप क्लास में बैठे हो और अगर आपका मन कहीं और है तो आप कभी भी अधिगम नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब मानसिक स्थिति का मतलब क्या हो गया, मन की आपसे मेरे को स्थिति से हो गया। क्लियर, समानता का नियम क्या कहता है थोंडाइक, जब भी हम कोई चीज सीखते हैं, हमारे सामने कोई भी चीज नहीं आती है तो हम उससे रिलेटेड हमारे माइंड में कुछ भी होता है उससे क्या मिलाते हैं, समानता मिलाते हैं। क्लियर, और आपसे सिमिलरिटी करके उसको हम सीखते हैं या उसका आंसर देते हैं, बात समझ में आए। और उसके बाद है साहचर्य परिवर्तन का नियम, थोंडाइक कहता है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कि यहां पर साहचर्य परिवर्तन का नियम को समझना, कि एक बोलो आपसे मेरे को मदर है, वो रोज अपने बच्चे से बात करती है, आपसे मेरे को उसके साथ खाना खाती है, एक दिन उसका बच्चा जो है कई बार चला गया तो उसी समय वो उसकी फोटो को देखकर उससे बात कर रही है, तो ये इसको बोलते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम। आपसे मैं करूं जो सही परिस्थिति थी उसको बोलो आपसे मैं उसने परिवर्तन कर दिया उसके साथ, मतलब रोज रियल में उससे बात करती है तो उसके साथ खाना खाती है, एक दिन आपसे उसके नहीं होने पर बोलो उसके सामने फोटो लगी हुई है उसकी, उससे ही बात कर रही है कि आज अपने तुमने खाना खा लिया क्या, तो उसको बोलते साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाहता हूं, मेन चीज क्या है, एग्जाम में क्या आता है, थोंडाइक ने कौन सा गौण नियम नहीं दिया है, थोंडाइक ने कौन सा गौण नियम दिया है। तो आपको मैंने नाम याद करने की ट्रिक बता दी, बाम सॉल्यूशन सही है। क्लियर, उसके बाद आते थे 9 पॉइंट के अंदर, बोलो मैंने कहा शिक्षा में महत्व। ठीक है, शिक्षा में महत्व मतलब जो थोंडाइक ने सिद्धांत दिया है उसका शिक्षा में महत्व क्या है। नंबर वन, पहली बात आपसे मेरे को मंद बुद्धि बालकों के लिए ये सिद्धांत बहुत अच्छा कुछ सिखाने वाला है। तो मैंने कहा मंद बुद्धि आपसे मेरे को बालकों बोलो के लिए, क्लियर के लिए बोलो आपसे मैं उपयोगी। क्लियर, बोलो क्यों, क्योंकि ये सिद्धांत हमें परिश्रम और धैर्य रखने की बोलो आपसे मैं करूं वो रखने को बताता है। क्लियर, ये सिद्धांत आपसे मैं कह रहा हूं सिद्धांत बोलो अधिगम में आपसे मैं करूं परिश्रम। ठीक है, बोलो आपसे मैं करूं और धैर्य, आपसे मैं कह रहा हूं धैर्य बोलो आपसे मैं कहूं कि बोलो बात आपसे मैं को सिखाता है। ठीक है, यानी कभी भी आप कोई भी चीज लर्निंग करते हो तो एक तो कठिन परिश्रम करना चाहिए क्योंकि आपसे त्रुटि होगी होगी, बार बार प्रयास करना चाहिए, और
अपना पेशेंस धैर्य भी बनाए रखना चाहिए। बोलो आपसे मैं करूं, क्योंकि बिना धैर्य के आपको कोई चीज मिल नहीं सकती। तो आपसे मैं कहूं तीसरी चीज, मैंने कहा ये सिद्धांत जो है वो विज्ञान आपसे मैं करूं एंड गणित आपसे मैं कह रहा हूँ के, बोलो विद्यार्थियों के लिए, वैसे तो सबके लिए उपयोगी है, के लिए आपसे मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा, बोलो बहुत ज़्यादा आपसे मेरे को उपयोगी है। क्लियर, बहुत ज़्यादा आपसे मेरे को उपयोगी है, बिकॉज आप जानते हो गणित के अंदर आप कोई बोलो क्वेश्चन है आपसे नहीं हो रहा है तो आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। एक बार त्रुटि होगी, दो बार त्रुटि होगी, बार बार प्रयास करोगे तो आप सीख ही जाओगे। तो ये आपसे मेरे को शिक्षा में महत्व है। उसके बाद अगर हम देखें दैनिक जीवन में, आपसे मेरे को दैनिक जीवन में, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी अधिगम का सिद्धांत है आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि दैनिक जीवन में उसका क्या संबंध है, शिक्षा में उसका क्या महत्व है। क्लियर, तो दैनिक जीवन में उदाहरण, क्लियर, मैंने कहा दैनिक जीवन में अगर उदाहरण को देखें तो बहुत सारा है। आपसे मैं कहूँ साइकिल, बोलो मैंने कहा मोटरसाइकिल, आपसे मैं कहूँ कार, कोई भी आपको सीखना है, ठीक है, तो आपको किसका सिद्धांत लागू होगा, बोलो थोंडाई का सिद्धांत लागू होगा। आपसे मैं कहूँ आपको तैरना सीखना है, क्लियर, आपसे मैं कह रहा हूँ आपको टाई बांधना है, बोलो आपसे मैं कहूँ टाई बांधना, बोलो आपसे बच्चे के बोलो बटन लगाना, कुछ भी आप सीखना चाहते हो बोलो आपसे मैं कहूँ तो थोंडाई का सिद्धांत ही लगेगा। सबसे पहले आप जब प्रयास करोगे तो आपसे त्रुटियां होगी, उनका फिर प्रयास करोगे तो त्रुटियां कम होती जाएगी और आप एक दिन आएगा कि आप सीख जाओगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये सिद्धांत जो है वो आपसे मैं कहूं हमारे व्यवहारिक जीवन के अंदर बोलो हर जगह लागू होता है। तो इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूं कि आप खुद जानते हो कि जो थोंडाइक का सिद्धांत वो व्यवहारवादियों का सिद्धांत है और थोंडाइक को हम शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी मानते हैं। बोलो बात समझ में आए। तो मैंने आपको 10 पॉइंट के अंदर पूरा सिद्धांत समझाया है। अब बोलो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देता हूं। बोलो क्या आपसे मैंने कहा 11 पॉइंट, बोलो आपसे मैं कहूं ट्रिक, ठीक है, ट्रिक क्या कि बोलो थोंडाइक के जितने भी सिद्धांत के नाम है, चाहे हिंदी में है इंग्लिश में है, उन सबको हम कैसे याद रख सकते हैं। तो मेरा हर सिद्धांत की एक ट्रिक होती है और उसी ट्रिक से मैं सारे नाम याद करवाता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि बोलो जो थोंडाइक है, आपसे मैं करूँ मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि थोंडाइक बहुत अच्छा इंसान था और जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं वो सबके साथ बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन बनाते हैं और हमेशा अपने प्रयास में सफल होते हैं। तो इसी थीम पे मैं आपको क्या बता रहा हूं, थोंडाइक की ट्रिक क्या बता रहा हूं, मैंने कहा एस आर थोंडाइक, ठीक है, देखो थोंडाइक तो ईएल थोंडाइक है लेकिन मैंने आपको ट्रिक में लिख रहा हूं एस आर थोंडाइक। सबके साथ आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो अधिक अधिक, मैंने कहा सबके साथ अधिक अधिक बोलो संबंध आपसे मैं को रिलेशन बोलो बनाकर, आपसे मैं को बनाकर अपने प्रयासों में आपसे मैं को सफल हुआ, ठीक है, सफल हुआ। बोलो आपसे मैं करूँ ये मैंने एक ट्रिक लिखी एस आर थोंडाइक, सबके साथ अधिक अधिक संबंध बनाकर अपने प्रयासों में सफल हुआ। चलो नाम निकालते हैं, सबसे पहला एस आर थोरी, क्लियर, बोलो एस आर थोरी पूछे किसकी होगी, थोंडाइक की। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा इसी को अगर मैं हिंदी में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, उद्दीपन बोलो अनुक्रिया आपसे मैं को सिद्धांत, ठीक है, दो नाम कैसे निकल गए, बोलो एस आर मतलब स्टिमुलेशन रेस्पॉन्स थोरी और हिंदी में लिखूं तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। आपको पूछा जाए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया तो बोलो क्या हो जाएगा, बोलो थोंडाइक का सिद्धांत, क्लियर। इसी के बाद मैंने कहा सबके साथ अधिक अधिक संबंध, तो अधिक अधिक से एक थे तो हो जाएगा अधिगमवाद का सिद्धांत और आपसे मैं कहूँ एक हो जाएगा आवर्ती का सिद्धांत, क्या हो जाएगा बोलो आवर्ती का सिद्धांत, क्लियर। उसके बाद अगर हम और नाम निकाले नंबर 6, मैंने कहा संबंध से क्या हो जाएगा, बोलो संबंधवाद बोलो का सिद्धांत, ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए सहज संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पेवलोन का होता है, यहां पर संबंधवाद का सिद्धांत किसका होता है, थोंडाइक का होता है।
उसके बाद बनाकर से क्या हो गया बंद, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं का सिद्धांत, ठीक है, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्या बोलते हैं बोलो बॉन्ड आपसे मैं को थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्लियर। उसके बाद मैंने कहा नंबर 8 प्रयास से क्या हो गया, बोलो प्रयास आपसे मैं को एंड बोलो त्रुटि का सिद्धांत, क्लियर आपसे मैं को। इस तरह से हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत के सारे नाम याद करने की एक ट्रिक बताई है, एस आर थॉर्नडाइक सबके साथ अधिक अधिक संबंध बनाकर अपने प्रयासों में सफल हुआ। तो दोस्तों आप समय को थॉर्नडाइक का पूरा सिद्धांत मैंने स्टडी कराया, इसमें मैंने आपको 3 ट्रिक बताई। थॉर्नडाइक के अगर आपको मुख्य नियम उपनियम पूछे तो ATP से, A से आपसे मैं करूं अभ्यास, टी से तत्परता, पी से प्रभाव, और अगर गौण नियम पूछे तो 5 बाम सॉल्यूशन सही है, बी से बहु अन्योन्य क्रिया, ए से आंशिक अनुक्रिया, एम से मनोस्थिति, एस से समानता और एस से साचर्य परिवर्तन। और थॉर्नडाइक के जितने भी सिद्धांत के बोलो थॉर्नडाइक के बोलो जो प्रयास और त्रुटि या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के सारे नाम कैसे याद रखेंगे तो एक ट्रिक बताई, एस आर थॉर्नडाइक सबके साथ अधिक अधिक संबंध बनाकर अपने प्रयासों में सफल हुआ। आई थिंक आपको ये बोलो आपसे लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, आपसे मैं कमेंट्स करके बताएं। और आपसे मैं को इस तरह से आज जो हमने सीरीज थॉर्नडाइक से स्टार्ट की है और उसके आपसे मैं को 1 by 1 करके मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, आपका जो साइकोलॉजी को लेकर के डर है वो आपसे खत्म हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।